हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी वेबसाइट topperexam.com में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको डेली की तरह अपडेट करंट अफेयर्स कि डेली जीके के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, साथ में उनके आंसर भी दे रहे हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसने बैंकों को खाताधारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा को देने के लिए मंजूरी दे दी है। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला विकल्प है क PNB, दूसरा विकल्प है ख RBI, तीसरा विकल्प है ग केंद्र सरकार, चौथा विकल्प है घ नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है ख RBI। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है क दिल्ली सरकार, दूसरा है ख गुजरात सरकार, तीसरा है ग उत्तराखंड सरकार, चौथा है ग झारखंड सरकार। तो सही आंसर है इसका घ RBI सरकार। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की कौन सी IT कंपनी ने इसराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। चार विकल्प है आपके सामने। पहला विकल्प दिया है क विप्रो, दूसरा विकल्प है ख इन्फोसिस, तीसरा विकल्प है घ TCS, चौथा विकल्प है घ गूगल। तो इसका सही उत्तर है ग TCS। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। चार विकल्प है आपके सामने। पहला विकल्प है क साइना नेहवाल, दूसरा विकल्प है ख PV सिंधु, तीसरा विकल्प है ग श्रीकांत किदम्बी और चौथा विकल्प है घ इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ख PV सिंधु। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में शिक्षकों की भर्ती में ST वर्ग को 100% आरक्षण अमान्य करने का निर्णय लिया है। तो सही इसमें सही चार विकल्प दिए हैं आपके सामने। पहला है क केरल, दूसरा है ख आंध्र प्रदेश, तीसरा है ग गुजरात, चौथा है घ पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ख आंध्र प्रदेश। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा IIT संस्थान हाल ही में टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। तो चार विकल्प है आपके सामने। पहला दिया हुआ है क IIT मद्रास, दूसरा विकल्प है ख IIT मुंबई, तीसरा विकल्प है ग IIT दिल्ली और चौथा विकल्प है घ IIT कोलकाता। तो सही उत्तर है इसमें ग IIT दिल्ली। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, चीन ने हाल ही में किसे $3 करोड़ अतिरिक्त दान देने की घोषणा की है। चार विकल्प हैं आपके सामने। पहला विकल्प दिया हुआ है क यूनेस्को, दूसरा विकल्प दिया हुआ है ख WHO, तीसरा विकल्प है घ वर्ल्ड बैंक और चौथा विकल्प है घ इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ख WHO। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, 25 अप्रैल को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। चार विकल्प है आपके सामने। पहला विकल्प दिया हुआ है क विश्व एड दिवस, दूसरा विकल्प दिया हुआ है ख विश्व TV दिवस, तीसरा विकल्प दिया हुआ है घ विश्व मलेरिया दिवस और चौथा विकल्प दिया हुआ है घ विश्व चिकुनगुनिया दिवस। तो सही उत्तर है इसमें ग विश्व मलेरिया दिवस। नवा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस देश की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा ट्रायल शुरू किया है। चार विकल्प है आपके सामने। पहला विकल्प है क अमेरिका, दूसरा विकल्प है ख इटली, तीसरा विकल्प है ग ब्रिटेन, चौथा विकल्प है घ चीन। तो इसका सही उत्तर है ग ब्रिटेन। अंतिम क्वेश्चन है दसवां आपके सामने, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह मून को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो चार विकल्प है आपके सामने। पहला विकल्प है क चीन, दूसरा विकल्प है ख ऑस्ट्रेलिया, तीसरा विकल्प है ग ईरान, चौथा विकल्प है घ ईरान। तो इसका सही उत्तर है ग ईरान। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सभी से शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।